हेलो एंड वेलकम बैक। अब डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल फ्रॉम द टॉपिक लॉगरिथम। यहां पर आना चाहिए इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी बाय फोर इज इक्वल टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी, देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज। तो गिवन इक्वेशन हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ a plus b upon 4 is equal to half log a plus log b। और इसके हेल्प से हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढनी है, दैट इज a upon b plus b upon a, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हमें log टर्म्स एलिमिनेट करने होंगे। अब ये log a प्लस log b इसे हम कंबाइन कर सकते हैं एज log ऑफ a into b, और ये 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। सो वी हैव 2 टाइम्स log ऑफ a प्लस b बाय 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ a b। अब ये 2 को यहाँ पावर में ट्रांसफर कर देते हैं, सो वी गेट log ऑफ a plus b upon 4 the whole square is equal to log of ab। अब दोनों तरफ हम log function omit कर सकते हैं, so therefore we have a plus b upon 4 the whole square is equal to ab। Now let us simplify this, in numerator expand करते हैं, so we have a square प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू ab। सिंपलीफाइंग फर्दर, लेट अस मल्टीप्लाई 16 ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी हैव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ab, एंड इफ वी सबट्रैक्ट 2ab सो वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब 16ab माइनस 2ab ये हो जाता है 14ab। अब हमें ऑप्शन जो दिए हैं वो है 4, 6, 10, 14, राइट। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये ab को डिनोमिनेटर में ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए। तो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 14, एंड इफ वी स्प्लिट दिस, ये डिनोमिनेटर अगर स्प्लिट करते हैं, देखिए, सो वी हैव ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 14, एंड देयर वी हैव द रिक्वायर्ड वैल्यू, देखिए। सो देयरफॉर यहाँ पर एक ए और यहाँ से एक ए कट हो जाएगा, सो वी हैव ए अपॉन बी प्लस बी, और इसमें से एक बी कट हो जाएगा, तो ये रहेगा बी अपॉन ए इज इक्वल टू 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।